अपनी शूद्र शक्ति से तेरी जिंदगी को उसे फंसाने के लिए चारा बनाऊंगा। मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। शांति बहन, राधा बहन, आज हमारी शादी की सालगिरह है। माना वो मुझसे दूर है, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए मेरे मंगलसूत्र पर हल्दी कुमकुम लगा दीजिए ना। मेरे माथे पर सिंदूर लगाकर आप सब अपनी बेटी समझकर मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना आशीर्वाद। हाँ हाँ, सारे घर में हंगामा करके आज तुम भटक रही हो, उतना काफी नहीं है क्या तुम्हें? अगर तुम जैसी का चेहरा कोई देख लेगा तो उसका बेड़ा गर्क। अगर तुझे हल्दी लगाएंगे तो हमारा भी बुरा होगा। चल जाए यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी बेटी समझकर। शूद्र राशि में शामिल होने वाले धूम केतु के समय पर तुम राख हो जाओगे और ये सब देख कर वो जीते जी मर जाएंगे। जो मेरी मौत के लिए पैदा हुई थी उसी का नाश हो जाएगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, फिकर मत करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। देखो बेटी, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तुम्हारे लिए हम हल्दी कुमकुम लगा देते हैं, तेरा पति हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज आप मेरे लिए भगवान है। हल्दी कुमकुम लगाइए माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हल्दी कुमकुम में अगर इतनी ब्रह्म शक्ति है तो क्या हुआ? उस आखिरी ग्रहण के हो जाने के बाद उसके जीते जी मैं उसके हल्दी कुमकुम को मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बस एक दिन और, बस एक दिन और। कल सूर्यास्त के बाद अगर ये ग्रहण लग जाए तो इस घर में वो जीव जिंदा नहीं बचेगा। कौन है आप? जब मैं हिमालय पर गरुड़ ध्यान में था तब इस घर को मैंने जलते हुए देखा था, इस घर के दोष को मैंने देखा था, इस घर के मूल्य स्तंभ को राख बनते देखा था, मैंने इस घर में तुम्हारे बेटे की मृत्यु देखी थी, बुरी पीड़ाओं के साथ तुम्हारी बहू के रूप में वो तुम्हारे घर में कदम रखी है उसी का अंत करने आया हूँ। जिस पल घर में लगी आग को साक्षी मानकर तुम्हारे बेटे ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, उसी वक्त उसकी कुंडली में आए दोष की वजह से उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे को जीना होगा, उसके जिंदा रहने के लिए मैं क्या करूँ आप बताइए स्वामी। तुम्हारी बहू को मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर उसके गले में तुम्हारे बेटे ने मंगलसूत्र पहनाया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मैंने कहा था उससे कि इस बंधन से दूर रहो। हाँ, सच्चाई जानते हुए मेरे भाई से शादी क्यों? हाँ, जायदाद का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। मेरा इकलौता बेटा है स्वामी, कृपा करके हमें कोई मार्ग दिखाइए स्वामी। जो होने वाला है सिर्फ वो बता सकता हूँ, विधान को मैं थोड़े ही बदल सकता हूँ। ऐसा मत कहिए स्वामी, आपको कोई ना कोई मार्ग बताना ही होगा, आप ही उसे बचा सकते हैं। दोष को जलाने वाली इस अखंड ज्योत से इस विपत्ति का मार्ग पूछ रहा हूं, बताओ बताओ। या नूरा, इस घर की बहू का सिंदूर मिटाकर उसे विधवा बनाना होगा। कल कुंभ ग्रहण होने से पहले ही सिंदूर मिटा दिया जाए तो पति के प्राण बच सकते हैं। या नूरा, पति के जीते जी पत्नी को विधवा बनना होगा, ये कैसा न्याय है स्वामी? पति को जिंदा रखना है तो ये करना ही होगा। ग्रहण हो जाने के बाद जब ये दोष मिट जाएगा तो पत्नी दीर्घ सुमंगली हो जाएगी। अखंड ज्योत ने सत्य ही कहा है, अगर बेटे की जिंदगी चाहिए तो उसे विधवा बनाना ही होगा। हे माँ, उन्हें बचा ले। हाँ बैठी है, माँ बैठी है, ये पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। चलो, क्या कर रही है रे? उठ, उठ, उठ ना।
पति को मरवाने के लिए इसने शादी का जाल बिछाया था। इसे क्या पूछ रही हो? कल इसे ले जाकर इसका सिंदूर पोंछकर इसे विधवा बना दो। चलो चलो ले चलो 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 इसे ले चलो। रुक जा मेरे पति अभी जिंदा है, ये कैसा अन्याय है, आप ही बताइए। तुम पहले एक बात बताओ, मेरे बेटे से शादी करने के बाद, उसकी बीवी बनने के बाद उसकी जान को खतरा है, ये तुम जानती हो या नहीं? जानती हूँ। ये जानने के बाद भी तूने शादी की? बोल क्यों? अरे ये क्या बता रही है? चल माँ जी, माँ जी, नहीं छोड़ दे रही है। ग्रहणम्। कोई नहीं बचा सकता तुझे। बढ़िया बढ़िया है। पति के मरने के बाद पत्नी विधवा होती है, ये देवताओं द्वारा लिखा हुआ विधान है। अच्छा लगा। किंतु पत्नी को विधवा बनाने के बाद पति को मारना, ये मेरा लिखा हुआ दैत्य धर्म है। अच्छा लगा। तुम्हारे पति का मैं सर्वनाश कर चुका हूँ। तुम्हारे पति के प्राण इस लोक से परलोक जा रहे हैं। रोती रहो। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर बड़ी माता और छोटी माताओं की आंखों से खून के आंसू निकलने चाहिए। रोती रहो, अब तुम सब भी विलाप करो। विलाप करो। इस आखिरी ग्रहण के होने तक मैं इसके भी प्राण ले लूंगा। रोक सको तो रोक लो, रोक लो। सर्वनाश। मेरी रक्षा मत करना मेरी रक्षा। और अपनी दसों आंखें बड़ी करके इसी तरह सिर्फ मेरा नाश होते हुए देखती रहना। सर्वनाश। अपने बच्चे की बलि दी मैंने, पति के होते हुए भी मैं विधवा हो गई। मेरा सुहाग मुझसे बिछड़ गया, सर्वनाश हो गया। अब क्या बचा है मेरे प्राण के अलावा? सर्वनाश। सिंह राशि की होते हुए भी वहाँ क्या किस्मत पाई है मैंने। मेरी कुंडली में दोष दे ही दिया है, तो मेरी बलि में क्यों नहीं ले लेती हो तुम? दोषी हूँ मैं, और नहीं जीना चाहती हूँ मैं। घबरो ना कोस, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अग्नि उस सिंह राशि की बलि नहीं लेगी। बेकार है उसका बलिदान, बेकार है। उसकी हल्दी और कुमकुम तो मिटा दिया गया था, उसका श्रृंगार भी समाधि में धो दिया गया था। सफेद साड़ी में लगी आग की लपटे उसके स्वागत होने का संकेत नहीं देती है। उसके हल्दे कुमकुम की शक्ति कहाँ से आएगी? अवतार हो रहा है विध्वंस मूर्ति का। Hello.
राजेश्वरी। बेटी राजेश्वरी, तुम्हारी सूनी गोद देखकर मैं खुश नहीं हूँ। नाग माता, नाग माता, इसका बच्चा इसे लौटा दो माँ। ये बच्ची माताओं की गोद में खेली बड़ी सौभाग्यशाली है, लेकिन दुर्भाग्यवश अनाथ है। आप अपने परिवार में इसे छोटी सी जगह देंगे क्या? तुम हमारे घर में दूध बेचने वाली राजेश्वरी हो? वही हो। तुम मुझे भूल गई क्या? तुम अपने पति को कैसे भूल सकती हो? ये भी भूल गई, हमारी शादी हुई, बच्ची हुई, सब कुछ भूल गई तुम। तुम्हें तो बादाम खाने की जरूरत है, अगली बार ऐसा मजाक मत करना। राजी, तुमसे कितनी बार खाए, बच्ची को बाहर ले जाते समय स्वेटर पहना लिया करो। कोई बात नहीं, बच्ची मेरे हाथ में अंडर कंट्रोल एंड आई एम अंडर वाइफ्स कंट्रोल।